हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और आज के इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं, आप इससे ज्यादा रेंज के नेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से नाम लिखा हुआ, अब इसमें कोई नाम रिपीटेड भी है तो अभी हमें क्या करना है, उस रिपीटेड नाम को लेके आना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है मोड का। ठीक है, आप जैसे ही मोड लगाएंगे तो यहाँ पे मोड जो है ये मल्टी मोड आ गया, हमें केवल मोड चाहिए। तो यहाँ नीचे देखिए ये मोड दिया हुआ है, इसको आपको लेना है तो ये ले लिया। अगर हम इसको टेक्स्ट पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये देगा एरर। ठीक है, क्योंकि ये नंबर को ही फाइंड करता है, डुप्लीकेट नंबर जो ज्यादा बार आए होंगे उनको ये निकाल करके दे देता है, लेकिन ये टेक्स्ट पे काम नहीं करेगा तो ये एरर दे देगा। तो इसके लिए यहाँ पर लगा दीजिए इंडेक्स, कुछ इस तरीके से लगाया मैंने इंडेक्स फॉर्मूला। ओके, और फिर ये रेंज आपको करनी है सिलेक्ट। जैसे ही ये रेंज सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है हमें, जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो यहाँ एक और फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसका नाम है मोड। ठीक है, एम ओ डी ई, याद है मोड, जिससे हम नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मल्टी मोड आ गए हैं, ये केवल मोड ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर नीचे मोड आ रहा है, ये मोड ले लीजिए। ठीक है, और ये मोड लेने के बाद क्या करना है, मैच लगा लेना है। तो एम ए टी सी एच, मैच के बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ, तो ये मैच फॉर्मूला भी लगा लीजिए। अब इसी रेंज को कर लीजिए सिलेक्ट, कर लिया कॉमा दे दीजिए, फिर एक बार और यही रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, बस कॉमा लगाइए और यहाँ पे जीरो दे दीजिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, कॉमा यहाँ पे जीरो दे दिया और यहाँ पर इसको बंद करेंगे, जितने ब्रैकेट ओपन किए थे उतने क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो ये बता रहा है कि राम जो है मोस्टली रिपीटेड नेम है इसमें। तो कैसे मोस्टली रिपीटेड है, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राम यहाँ पर आया हुआ है, तो देखिए राम यहाँ पर भी आया हुआ है और कहीं भी आया है, ये देखिए राम यहाँ पर भी आया हुआ है। जबकि आप देखेंगे कि श्याम दो बार आया हुआ है, लेकिन तीसरी बार तो श्याम नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि मोस्ट रिपीट कौन सा है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।